लंबा कंटेंट नहीं देख पाते तो कोई बात नहीं बी और बेस्ट क्लिप्स पे आप सब डिफरेंट पार्ट्स में बिंज वॉच कर पाओगे कौन हु नीड्स टू क्विट मास्टर यार देखा जाए तो किसी को भी क्विट करने की जरूरत नहीं है ये क्या कहती है वो तो सचमुच जा रही है अगर आप इसे एक हेल्दी फॉर्म में करते हो और इसको एक आदत नहीं बनाते तो कोई बुराई नहीं है इसमें चीटिंग 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 करता है तो और जैसे भी नवंबर भी आ गया तो बहुत सारे लोग नो नट नवंबर करेंगे मतलब कि एक महीने तक बिल्कुल भी मास्टरवेट नहीं करेंगे तो वो भी आपको करने की जरूरत तभी है अगर आप एडिक्टेड हो या फिर आप वर्ज ऑफ एडिक्शन पे हो मतलब जस्ट एडिक्ट होने वाले हो आपको पता चल जाता है वो तो तब आप ऐसी नो नवंबर वाली चीजें करो या मास्टर्वेशन कुछ टाइम के लिए छोड़ने वाली तीन महीने के लिए भी चलो छोड़ने वाली चीजें करो ताकि आप खुद को प्रूव कर पाओ की आपकी बॉडी आपका दिमाग आपके कंट्रोल में है नहीं तो सच कोई बुराई नहीं है अगर आप हफ्ते में दो तीन चार पांच छह बार भी करते हो अगर आपके कंट्रोल में है वो चीज और आप उस चीज को कॉन्शियसली कर रहे हो ऐसा नहीं है कि वो आपको डिक्टेट कर रही है आप डिसाइड कर कर रहे रहे हो हो कि कब कर रहे हो। तब कोई दिक्कत नहीं है है बल्कि इसको इसको बिल्कुल भी ना करने से ज्यादा हेल्दी अगर आप इसको कंट्रोल में करो तो और ये साइंटिफिकली है चलो मैं आपको एक example से समझा देता हूं अगर आप एक स्टूडेंट हो जो किसी एंट्रेंस के लिए तैयारी कर रहा है और उसको पूरा दिन पढ़ना है मान लो चलो पंद्रह सोलह घंटे पढ़ना है अब उसमें से आप अगर हर दो दो तीन तीन घंटे में डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो पढ़ाई से आपका दिमाग पढ़ाई में नहीं लग रहा और आप सिर्फ गंदे थॉट सोच के सिर्फ मास्टिवेट कर रहे हो पूरे दिन तो मास्टरबेशन आपको कंट्रोल कर रही है आप उसको कंट्रोल नहीं कर रहे और यह सिर्फ बच्चों के साथ नहीं यार बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो ऑफिस वगैरह में काम करते हैं और दिन में पांच बार जाके के आपको नींद नहीं आ रही तो आपने कर लिया तो यहाँ पे आपके कंट्रोल में मास्टर है तो वहां ये कोई बुरी आदत नहीं है और अगर आपके कंट्रोल में है तो आपको गिल्टी फील करने की दो रुपए की भी जरूरत नहीं है